उनको लोग कहते हैं कि आपकी गाय को लंपी हुआ है तो हम आपका दूध नहीं लेंगे। गौ माता के आशीर्वाद से और यज्ञ देव की कृपा से इसको कुछ जनसंपर्क टूटे उतनी उस रोग की रोकथाम हो सकती है। तो ये गायों में भी जो लंपी वायरस है वो जितना आप संपर्क तोड़ेंगे, ये जो मैंने खुराक बताई है वो एक दिन की खुराक है, ऐसे तीन दिन तक रोज नई नई खुराक बना के देनी है। जय गौ माता। दोस्तों, ये हमारी ब्रजभूमि गाय है और इनको ये लंपी डिसीज हुआ है ऐसा कह सकते हैं अभी भी, लेकिन गौ माता के आशीर्वाद से और यज्ञ देव की कृपा से इसको कुछ हुआ नहीं है। हुआ, ये फोड़े भी हुए, एक दो दिन खाना कम किए, और मैंने जो चिकित्सा आपको बताई थी अगले वीडियो में वो चिकित्सा मैंने कर दी, तो आपकी नज़र के सामने जुगाली कर रही है। हालांकि ये डेंजर डिसीज है तो टाइम लगेगा 10-15 दिन का एकदम कंप्लीट होने में, लेकिन इसने खाना नहीं छोड़ा है, पानी नहीं छोड़ा है और चलना फिरना नहीं छोड़ा है। तो ये जो रिजल्ट है वो जो औषधीय मैंने बताया था उसी का रिजल्ट है, तो ये उनका परिणाम है। मतलब ये गाय जो अपने सामने है, और गौ माता दुखी होती है ऐसे समय में हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी ये बात थी कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसी गाय का दूध कैसे खाए, मुझे बहुत कॉल आते हैं कि जो डिसीज वाली गाय है उसका दूध कैसे खाए। तो जो गौ माता को डिसीज हुआ है उसका सच में तो देखो, यदि भयंकर हुआ है, गाय ने खाना बंद कर दिया है तो दूध निकालना ही नहीं है। सबसे पहली बात ये, थोड़ा थोड़ा खा रही है रेगुलर, उस जैसे ये गाय रेगुलरिटी में है, ऐसे रेगुलरिटी में है तो उसका एक आधा लीटर या एक ग्लास एक कप चारों थन में से दूध निकाल के थन का ऑडिट करते रहे कि थन खराब ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। और जब गाय बीमार है ऐसी परिस्थितियों में साइंस कहते हैं, डेयरी साइंस कहता है कि दूध उबाल के पीने से उसके अंदर कोई वायरस नहीं रहता। तो जो लोगों की समस्या आ रही है कि लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं, कहीं दूध बेचने वाले भी सारे किसान और गोपालक होते हैं, उनको लोग कहते हैं कि आपकी गाय को लंपी हुआ है तो हम आपका दूध नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोच के, दूध खरीदने वालों को भी ऐसा नहीं सोच के, अभी ऐसे माहौल में गोपालकों के साथ उसकी हमदर्दी में उसके साथ सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। और इसका बेस्ट इलाज है दूध उबाल के पियो, बस कोई खतरा नहीं। मैं मतलब विश्वास पात्र लोगों से बात करके, और ये बहुत सालों से मैं जानता हूँ कि किसी भी प्रकार का डिसीज है उसका दूध नहीं पीना चाहिए। ये जो बात चल रही है, डिसीज किसी भी प्रकार का है उसको उबाल के पियो, लेकिन यदि ऐसे भयंकर डेंजर केमिकल्स के इंजेक्शन दिए गए हैं तो उसका असर दूध में आता है, वो उबालने से भी नहीं जाता है। इसमें खास एक इंसानों को समझने वाली बात यह है कि यदि आप किसी ऐसे हर्ड में गए हैं जहाँ ये लंपी हुआ है तो कृपा करके किसी दूसरे के हर्ड में न जाइए, गर्म पानी से हाथ मुँह धोइए और गर्म पानी से अपने कपड़े धोइए, उसके बाद ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप किसी और की गौशाला में जाते हैं या तो आपकी गायों को लंपी डिसीज हुआ है तो आपको कभी भी किसी की गाय के पास नहीं जाना चाहिए, किसी की गौशाला में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जन्य रोग है और ये लार से फैलता है, वायु से फैलता है, खाने से फैलता है, पानी से फैलता है। जैसे ये मेरी गाय मेरे कपड़े के साथ घर्षण कर रही है और अब मेरी गाय को लंपी हुआ है और मैं किसी और की गौशाला में जाऊं तो मेरे कपड़े में जो वायरस छुपा है वो वायरस उसका खुराक पकड़ लेता है। मतलब जो चीज़ जिसके साथ फैलती है वो आसानी से उसको अटैच कर लेती है। तो ये मेरे कपड़े में जो वायरस है वो दूसरे की गाय के सांस के माध्यम से या उसके खाने के माध्यम से तुरंत डेवलप हो सकती है, नहीं गारंटी से होती है। तो यदि हम किसी की गौशाला में जाते हैं तो हमें आकर के वो कपड़े निकाल के गर्म पानी में डाल के स्नान करके जाना चाहिए। जैसे कोरोना का वायरस लॉकडाउन क्यों किया था सरकार ने, लॉकडाउन इतने साइंटिस्टों ने उसका इलाज लॉकडाउन इसलिए बताया था कि जितना जनसंपर्क टूटे उतनी उस रोग की रोकथाम हो सकती है। तो ये गायों में भी जो लंपी वायरस है वो जितना आप संपर्क तोड़ेंगे उतना उसकी रोकथाम हो सकती है। और उनका एक सामान्य तरीका ये है, जो कॉमन तरीका है कि आप इसको फैलाने से कैसे रोक सकते हैं, तो ये पहला तरीका है कि आप आना जाना टालें। आना जाना यदि ज़रूरी है और जाना होता ही है तो
तो आप उसको अपने कपड़े को गर्म पानी में डाल के गर्म पानी से स्नान करके ही दूसरी गौशाला में जाइए, ये इसका प्रिकॉशन है। किसी गाय की ऐसी इस प्रकार से चिकित्सा करते हैं तो मैं आपको ध्यान रखना समझदारी से बोलता हूँ कि ये मनुष्य में डेवलप नहीं होता, परंतु आपके जो किए हुए कार्य और किए हुए कार्य वाले कपड़े वो किसी गाय को लगा सकता है, क्योंकि ये गायों में डेवलप्ड होने वाला वायरस है तो गायों को इजीली पकड़ता है, बाकी मनुष्य में ये डेवलप्ड नहीं होता। परंतु यदि आपने कोई गाय की चिकित्सा की है तो अपना कपड़ा बदले, गर्म पानी से हाथ मुँह धोए, साबुन से धोए और अपने जो नए कपड़े पहन के ही दूसरी गौशाला में जाए, नए मतलब धुले हुए। काली मिर्च का सवाल कई लोग कमेंट में डालते हैं, पूछते हैं कि काली मिर्च गर्म पड़ता है, लेकिन काली मिर्च यदि घी के साथ लिया जाए तो पित्तनाशक है और चर्म रोगों में बहुत फायदाकारक है। तो ये जो रोग है ये चर्म के रिलेटिव रोग है, तो इसमें काली मिर्च का उपयोग बहुत ही लाभकारी है। मैंने जो आगे के वीडियो में डोज बोला है कि आप 100 या 150-200 ग्राम घी ले सकते हैं, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम शक्कर या बिना सल्फर की शक्कर, इसको मिला के आप गाय को एक दिन दो, वही खुराक दूसरे दिन दो और तीसरे दिन, तीन दिन तक ये खुराक दे सकते हैं, सुबह या शाम किसी भी टाइम। और अभी यदि आपकी गाय को बुखार दिख रहा है तो इसमें आप एक कालमेघ का काढ़ा भी दे सकते हैं, जैसे 50 ग्राम कालमेघ, 2 लीटर पानी और उसको उबालना है, 1 लीटर बचे इतना, यदि आप शाम को भिगो देते हैं कालमेघ को और अच्छा काढ़ा बनेगा। तो ये जो कालमेघ का काढ़ा है वो तीन काम करता है, बुखार को भगाता है, भूख लगाता है, जो अंदर का जो माइक्रोफ्लोरा कल्चर है उसको डेवलप करता है और रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ाता है। तो जो नहीं हुआ है उसको भी आप ये उपयोग कर सकते हैं। ये जो मैंने खुराक बताई है वो एक दिन की खुराक है, ऐसे तीन दिन तक रोज नई नई खुराक बना के देनी है और प्रेग्नेंट गाय को भी दे सकते हैं और छोटे बच्चों को है तो आप अपन उसी की उम्र और वजन के हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं, वो इसका कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब जवान गाय और बढ़िया गाय को देते हैं तो मेरा ये माप है, फिर आपकी गाय 100 किलो की है तो उसका आधा कर दीजिए, आपकी गाय मतलब बछड़ी है 40 किलो की तो उसका भी आधा कर दीजिए, वो आपको प्रैक्टिकल देखना है। ये खिलाने के जो तरीके हैं वो आप रोटी में मिला के भी दे सकते हो या आप आपका दलिया है तो उसमें मिला के दे सकते हो, आप अपने हिसाब से कैसे भी गाय के पेट में जाना चाहिए। दोस्तों और भी काफ़ी अनुभवी वैद्यराज इसके बारे में बताते हैं तो आप वैद्यराजों की भी सलाह ले सकते हो और बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे टूटके लोग डाल रहे हैं, यदि आपको सही लगता है तो वो भी कर सकते हो, किसी का विरोध नहीं है, सब अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। और आपके पास यदि ऐसी कोई जानकारी है और आप जानते हो तो आप भी इसमें जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करिए।